हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो ये मेरे सामने देख कुछ एक प्लांट है जिसको लेडी पाम कहते हैं, और ये प्लांट मेरा काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए, अब इसको मैं सोच रही हूं गमले में शिफ्ट कर दूँ, ये क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही है और काफ़ी दिन हो गया है, लमसम ये एक महीना दो महीना हो गया है। मैं विंटर सीजन में इसको लाई थी नर्सरी से, और तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। लेडी पाम में इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था, आप लोगों को जब लाई थी तब मैंने दिखाया भी था, और इसके साथ मैंने हरसिंगार का प्लांट भी ख़रीदा था, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये लेडी पाम मेरा वैसे ही पड़ा था, क्योंकि मुझे ना टाइम मिला ना मेरे पास पॉट था, तो मैं ये गमला लेकर आई हूँ इसके लिए। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन 6 इंच का गमला है, तो मैं इसी में सोच रही हूँ इसको आज मैं शिफ्ट कर दूँ। तो इसके लिए मिट्टी को कैसे तैयार करना है, नीचे आप लोग देख सकते हैं मिट्टी पड़ी हुई है, ये देखिए, और मैंने इसको तैयार किया है। इसमें क्या क्या मिलाया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और कैसे तैयार करना है वो भी बताऊँगी। इसमें मैंने छोटे छोटे थर्माकोल के वाइट टुकड़े दिख रहे होंगे आपको, गोबर की खाद ये देखिए दिख रही होगी, और राइस खस के दिख रहा होगा, और थोड़ा सा मैंने बालू मिट्टी मिलाई थी, और गार्डन सॉयल है, और जो धान की भूसी होती है वो मैंने मिलाया था, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है प्लांटों में। अगर आपके पास अगर होती है तो आप लोग इसी तरह मिला दिया करिए। और लेडी पाम का जो प्लांट होता है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत होता है, और इसमें एक खासियत ये होती है जब इसके नई नई ग्रोथ होती है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये जाली जैसी जो है इसके ऊपर परत आती जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं ऐसे लिटा के, ये देखिए एक मिनट, ये देखिए ये जाली जैसी इसकी डंडी बढ़ती है, जाली टाइप में, जैसे मच्छरदानी होती है उस टाइप पे, एक परत पतली सी ऐसे लिपटते हुए जाती है ऊपर को, और इसी में से नई नई ग्रोथ होती है अंदर से। देखिए यहाँ से नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ से ये देखिए यहाँ से पत्ते खुल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ से पत्ते खुलते जाते हैं, तो ये खासियत होती है इसमें। और ये प्लांट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है, मैंने कहीं देखा था ये गमले में लगा हुआ था, और काफ़ी इतना सुंदर लग रहा था ये प्लांट, पूरा गमला भर गया था, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। हालाँकि ये मेरा प्लांट बहुत ही दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे करती हूँ, और इसको मैं बताऊंगी भी आपको कैसे करना है, रिपोर्टिंग दिखाऊंगी भी। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इस प्लांट को मैंने पानी में डाल दिया था, मतलब पानी इसके अंदर डाला था, ये है ये बोरी जो आती है प्लास्टिक की, उसका पॉट बना हुआ है। इसकी रूट्स भी देखिए बाहर निकलने लगी हैं, तो अब मैं समझ रही हूँ कि इसको अब पॉट की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप छोटा पॉट दीजिए चाहे बड़ा दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकालती हूँ और देखती हूँ इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों। तो खुरपी से मैं थोड़ा सा इसको मिट्टी को हटाने की कोशिश करती हूँ, इस तरह से मिट्टी हटा देते हैं, और इस तरह से मिट्टी हटा देंगे चारों तरफ से। और हमेशा याद रखिए कि थोड़ा सा जैसे नए प्लांट होते हैं, तो उनको इतनी केयरफुली से आप लोग उसको निकाला करिए कि उसकी जड़ें ना टूटें, क्योंकि जो है प्लांट हमेशा जब भी नर्सरी से लाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जब आते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट में रहते हैं, और ये प्लांट मेरा काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा है, तो ये तो सॉफ्ट में जाएगा नहीं, लेकिन गमले में शिफ्ट कर रही हूँ तो जाएगा तो वही है। तो इसको निकाल लेती हूँ दोस्तों, फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मिट्टी इसकी बहुत सख्त है, तो चलिए निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसकी रूट्स यहाँ पे ये बोरी को फाड़ के बाहर आ रही है, ये देखिए है आपको दिख रही होंगी, तो इतनी हार्ड इसकी जो है जड़ें होती हैं, देखो छोटी छोटी बाहर भी आ रही हैं यहाँ पे, और इधर से तो बाहर आ गई हैं, इसीलिए इसको अब गमले की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको निकालती हूँ मैं, और ये जड़ें तो टूटनी है ही हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसे ही बस निकाल लेना है इसको।
ये देखिए ये पूरा हटा देती हूँ फिर दिखाती हूँ, क्योंकि ये खाद से बन नहीं रहा है। तो ये मैंने निकाल लिया है ये देखिए, और ये इसका बैग है जिसमें था ये, तो इसको हटा दूँगी मैं। और इसके लिए मैंने ये गमला लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 इंच का गमला है। और ये रूट बॉल इसका छोटा हाई है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अब करती क्या हूँ, ये गमले में मैंने छोटी छोटी गिट्टियाँ डाल दिया है, छोटा सा छेद है ये देखो, और इसको बंद नहीं करना है मुझे। और गिट्टियाँ बहुत ज़्यादा मैं निकाल देती हूँ, थोड़ी सी एक गिट्टी डालूँगी, बहुत ज़्यादा गिट्टी नहीं डालना है आपको। इस तरह से रखना है कि पानी आराम से निकल जाए, मिट्टी बाहर ना निकले, इस तरह से रख देना है। अब इसमें थोड़ा सा, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि एक लेयर राइस खस्क मिलाती हूँ, ये मैं इसलिए डालती हूँ ताकि नीचे का छेद जो है वो बंद ना हो, पानी आराम से निकल जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि गमले में अगर मिट्टी भर देते हैं सीधे, तो वो क्या होता है, ब्लॉकेज जो होता है, छेद होता है, वो बंद हो जाता है। मिट्टी कभी कभी सख्त हो जाती है, वो बंद हो जाता है, इसीलिए मैं ये ज़रूर डालती हूँ। इससे छेद कभी बंद नहीं होगा और बहुत अच्छे से पानी छन के निकल जाएगा बाहर। और ये फ़ायदा भी करती है, इसकी रूट्स को कैल्शियम भी मिलेगा इससे। तो ये मैंने नीचे डाल दिया है, अब मिट्टी में डालूंगी, जो मिट्टी मैंने तैयार किया है वो डालूंगी, और जो मिट्टी इससे निकली है वो भी मिला के आप लोग डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिट्टी जो है इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नीचे, इस तरह से डाल देंगे, और फिर ये प्लांट इस पर रखेंगे। तो इसकी रूट्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं काट दूं तो ज़्यादा ठीक है, तो कैंची से उठाएंगे और जो पतली पतली सी हैं उसको मैं थोड़ा सा काट देती हूँ, बस इस तरह से काट देंगे। थोड़ा सा ये मोटी वाली भी काट देना है, ये थोड़ा सा पतली वाली तो काट ही देना है, एक मैं मोटी वाली भी काट दूंगी, एक इधर से काट दूंगी। तो ये छोटा सा रूट बॉल हो जाएगा, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो थोड़ा सा और काट दूंगी मैं, इस तरह से आपको कर लेना है। ये अब मैं बीच में ऐसे रखूंगी और इसके चारों तरफ से मिट्टी भर दूंगी, क्योंकि इसमें देखिए कि बेबी प्लांट भी निकल रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, क्योंकि इसकी रूट बहुत बाउंड हो रही थी, पॉली बैग में था। तो जब मैं इसमें लगा दूंगी तो शायद ये निकल आए बेबी प्लांट इसका। तो इस तरह से मिट्टी चारों तरफ डाल देनी है, इस तरह से ये देखो बाहर झांक रहा है ये, तो इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। और गोबर की खाद तो इसमें मैंने डाली थी, तो अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी एक ढक्कन, जो बोतल वाला ढक्कन आता है, एक ढक्कन में DAP ज़रूर डाल दूंगी इसमें। और ये एप्सन सॉल्ट है, एप्सन सॉल्ट एक छोटा चम्मच से कम, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा एप्सन सॉल्ट डालने से, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ताकि इसमें कोई फंगल ना लगे, इस तरह से डाल देंगे। अब हल्की सी मिट्टी की लेयर और डाल देंगे एक, बस इस तरह से दबा देंगे इसको। ये मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डाल के इसको फुल धूप में रखेंगे, जहाँ पे सुबह मॉर्निंग की इसको 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, उसके बाद ये छांव में आ जाए।
तो अब इसमें पानी डाल दूंगी और पानी डाल को इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जहाँ पे रखा है यहीं पे छोड़ दूंगी। और पानी इसमें देंगे बहुत अच्छे से, ताकि नीचे से इसके पानी अच्छे से निकल जाए, नीचे जड़ तक पहुँच जाए। तो आज मैंने लेडी पाम की जो है रिपोर्टिंग कर दिया है। इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनानी है। पानी आप इसमें एक दिन छोड़ एक दिन दीजिए, मतलब हफ्ते में 3 दिन पानी देना है आपको, एक दिन गैप करके। और इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए, सेडी एरिया का प्लांट है। फुल धूप में इसको नहीं रखना है, जहाँ पे 1 से 2 घंटे 2 से 3 घंटे की भी सनलाइट इसको मिलेगी तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। देखो पानी नीचे से निकल रहा है। तो आपको मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है बहुत अच्छे से। राइस कैस्क में इसीलिए डालती हूँ कि नीचे पानी इकट्ठा ना हो, जमा ना हो, रुके नहीं, आराम से पानी निकल जाए। अगर मिट्टी कम लगती है पानी डालने के बाद, तो आप लोग थोड़ा सा मिट्टी और डाल सकते हैं इसमें। कभी कभी ये होता है ना कि पानी डाल से जो एयर होती है वो थोड़ा सा मिट्टी बैठ जाती है एयर में, तो इस तरह से आप मिट्टी बाद में भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इस तरह से डाल दीजिए, लेकिन 1 इंच जगह खाली रखिए, ताकि पानी जो है अच्छे से दे और अच्छे से पानी जो है ले ले। तो इस तरह से पानी दोबारा डाल सकते हैं। तो इस तरह से लेडी पाम की भी रिपोर्टिंग आप लोग कर सकते हैं। ये प्लांट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब इसमें ग्रोथ होगी और ज़्यादा ये घना बनेगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तब मैं इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊँगी, इसकी केयर भी बताऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आप लोगों को लेडी पाम की रिपोर्टिंग करना बताया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए। इसी तरह आप लोग करिए अगर नर्सरी से प्लांट लाते हैं, तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग हमेशा नर्सरी से लाने के बाद 2 या 3 दिन बाद ही किया करिए, कोई भी प्लांट आप लाइए। ये प्लांट मेरा हालांकि 1-2 महीने का हो गया पड़ा था ऐसे ही, तो मैंने आज इसको रिपोर्टिंग भी कर दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो मेरा? और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं अगर आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।